ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलाप में नए पदार्थों के बनने के साथ साथ ये परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं कि यहां रासायनिक अभिक्रिया हो रही है पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन पदार्थों के रंग में परिवर्तन क्रिया के दौरान गैस उत्पन्न होना क्रिया के फलस्वरूप तापमान में परिवर्तन प्रतिदिन हम अपने आसपास ऐसी बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाएं देखते हैं जिनमें ये लक्षण दिखाई देते हैं इस अध्याय में हम रासायनिक अभिक्रियाओं और उनकी सांकेतिक अभिव्यक्ति का अध्ययन करेंगे